ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम जोर से बोलो बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। काल का जो कीर्तन बताया ये मेरा स्लिप ऑफ टांग है। कीर्तन 5 से 6 तक होगा, फिर 6 से 7 तक हरिकथा होगी। हरिकथा ही हमारा परिक्रमा का प्राण है। हरिकथा का हम छोड़ नहीं सकते, मैं फूल हो गया मेरा, इसलिए मैं 6 पढ़ती हूँ। राम जी से अनुरोध करते उनको सूचित करते 5 से 6 तक उनकी कीर्तन, फिर हम लोग की हरिकथा। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीपाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग जिस ग्रंथ के ऊपर में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, ग्रंथ का नाम माधुर्य कादंबिनी है। ये ग्रंथ हमारी संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है। कहते जब तक इसी ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ता, रामचंद्र प्रभु बताए जैसे एक दूध में कितने पानी और उसमें कितना दूध है वो 11 मीटर से पता चल जाती है। इससे पता चल जाता है उसमें कितना दूध और कितना पानी है। इसलिए जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनको ये ग्रंथ जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे ना फिर तो हम आउल बाउल नेडा नेडी सखी भेद दरवेशाई विशेष करके सहजिया बन जाएंगे। जैसे कुछ लोग बात सीधा आए, अभी प्रभुपाद कहते जो शौच क्रिया को बाद में हाथ कितना बार धोना जिसको ये पता नहीं, बात उनको मंजरी भाव देते थे। लड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी, रसगुल्ला मंजरी, हैं जलेबी मंजरी और राधा कुंड में सीधा सीधा राधा कुंड में। बोले क्यों? बोले वो सिद्ध स्वरूप दे देते हैं। बोले गौड़ीय मठ में तो छिबड़ा चिसते हैं, छिलका चिसते हैं गौड़ीय मठ में। वही वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति करते रहते हैं और राधा कुंड में जाते ही बस कह तुम्हें कोई मंजरी भाव दिया है, कोई मंजरी का नाम दिया है, बस सीधा मंजरी मंजरी नहीं। देखो ये रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय संप्रदाय का मेन मुख्य आचार्य है, इसलिए हमारे संप्रदाय को रूपानुग बताया गया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उसमें जो आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ विपरीत साध उन्होंने जो भक्ति का क्रम को उन्होंने बताए, फिर उन्होंने वही विश्वनाथ चक्रवर्ती रूप में आकर के फिर उसको विस्तृत रूप में व्याख्या करते हैं। अगर ये ग्रंथों को अगर नहीं पढ़ेंगे ना भैया भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, फिर तो पक्के हम सहजिया बन जाएंगे। इसके कितने तरह का अनर्थ है, वो अनर्थ का क्या क्या विवेचना है, भक्ति में आने पर उसको क्या क्या उसका अंदर में जो उत्साह वही घन तरला विषय संग्रह नियम क्षमा जो भक्ति विनोद ठाकुर श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका जो विवेचना उन्होंने दिया ना अद्भुत रूप में दिया है। इसलिए ये ग्रंथों को हमें जरूर पढ़नी चाहिए। कह समझो ये जो ग्रंथ नहीं
ये सहजियाओं के लिए, ये सखी बेटी नारखेड़ा रेड़ी के लिए, ये वज्र है, ये कौन, ये माधुर्य कादंबिनी। इसलिए अपना अंदर में हम छान करके देख सकते हैं, भैया हमें भक्ति की कौन सा स्टेज में, अभी तुम्हारी अनर्थ ही नहीं गया। अनर्थ में काम क्रोधर दास या तार लाठी का है, काम क्रोध का दास बनकर उसका डंडा तुम्हारे पर गिर रहा है। बाबा जी माता जी दल में तुम लगे हुए हो, बास मंजिलिया कर, जब तक ये आसक्ति नहीं आती है गुरुदेव, जब तक आसक्ति नहीं आएगी तब तक कभी केवल जो जीव का जो सिद्ध स्वरूप है उसका केवल ये अंकुर आता है। और उन्होंने जो भाव की जो उन्होंने परिभाषा दिया है, शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि आसक्ति तद गुना ख्या प्रति तद वसस्थल, ये भाव का नल लक्षण उन्होंने बताए हैं। अभी कुछ भी तुम्हारे अंदर में नहीं, अभी श्रद्धा की जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है, हाँ श्रद्धा जो दो तरह का है, जो कि एक लौकिक श्रद्धा और शास्त्र में धारणा श्रद्धा। अभी लौकिक श्रद्धा ही हमारी अंदर में वो भी गड़बड़ी है, और तुम कहाँ PhD का ग्रंथ लेकर बैठ गया, हम मंजरी सखी गोपी सब के सब बन गए हो। इसलिए भैया ये ग्रंथ हमें जरूर, हमें ये ग्रंथों को अध्ययन करनी चाहिए, नहीं हम पक्के सहजिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते विशेष करके जो रसिया के लोग है ना, वो जल्दी जल्दी सबके सब मंजरी बनना चाहते हैं, हाँ जल्दी जल्दी गोपी बनना चाहते हैं। सीधा हमने देखा जो व्यक्ति ये गौड़िया मठ छोड़कर गया, हमने देखा, हम जाते हैं ना, जो गौड़िया मठ छोड़कर राधा कुंड में गया, समझो जिंदगी भर के लिए भक्ति से गया। तो वहां पर क्या है, वो सोचते हैं राधा कुंड में बैठे पर ना बस राधा रानी की लीला होगी। गुरुदेव कहते राधा रानी क्या देखोगे, लोग जो स्नान करती है ना माताएं, वही सब चीजों कैसे कपड़ा बदलाते, वही सब चीज को देखोगे, देख देख करके तुम्हारे अंदर में काम रूपी बना होगी, और जाकर के एक शादी क्या 10 शादी करोगे। इसलिए मैंने देखा जो जो वहां पर गए राधा कुंड में, सब के सब 2 दिन बाद में नास्तिक बन करके सार, क्यों, वो तुम्हारी अवस्था है ही नहीं, वो तुम्हारी अवस्था ही नहीं, तुम्हारे अंदर में श्रद्धा का सह भी नहीं है तुम्हारे हृदय में। और तुम कहां जाते थे राधा कुंड में, रूप गोस्वामी क्या उपदेशामृत में पहले क्या कहते हैं, वाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा, अभी ये वेग क्या तुमने कंट्रोल किया है, उसको बाद में अत्याहार प्रयास भक्ति प्रतिकूल चीज को छोड़ो, भक्ति के अनुकूल अभी कुछ भी नहीं हुआ राधा कुंड बस। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक जो श्रद्धा की डेफिनेशन, साधु संघ की डेफिनेशन, और उसमें अनर्थ कितने तरह का डेफिनेशन जो देते हैं, अद्भुत रूप में उन्होंने ये चीज को बताया। इसलिए जरूर अगर भक्ति में कोई प्रवेश करना चाहते हैं, ये ग्रंथ पढ़ना अत्यंत अत्यंत आवश्यकीय है। ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हम सबके सब जहन्नाम में नरक में जाएंगे। इसलिए ये कितने हमारी संप्रदाय में महत्वपूर्ण, कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े तर्क वितर्क को साथ में स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं, स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं। अभी जो रामचंद्र लोग कह रहे थे, कहते प्रश्न है भैया ये भक्ति मिलेगी कैसे, ये भक्ति मिलेगी कैसे, कहते जैसे ज्ञान कर्म जो जब तक ये भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, ये ज्ञान भी ज्ञान का फल नहीं दे सकता, जोग जोग कर्म का कर्म फल नहीं दे सकता है। लेकिन भक्ति ऐसे की चीज है वो स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये राधा रानी की प्रीति है। लेकिन अभी प्रश्न है ये भक्ति मिलेगी कैसे, बोले भक्ति मिलने का केवल एक उपाय है, भक्ति स्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति केवल भक्तों की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक बड़ा सुंदर उन्होंने बात बताया, एक समय कृष्ण जितने वेद पुराण उपनिषद जितने शास्त्र को भगवान कृष्ण बुलाए, बुला करके उन्होंने के प्रश्न करता करते हैं, बताओ भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति मिलेगी कैसे, क्योंकि भक्ति के बगैर भगवान मिल ही नहीं सकते। भक्ति मिलने का सबसे सरल उपाय और भक्ति का डेफिनेशन बताओ, तो उन्होंने वेद को बुलाए, वेद को बुलाए तो वेद ने भी वेद मंत्र को खूब उन्होंने ऋचाओं को हैं, इसलिए तत्पद परम तद्विष्णु परमं पदम सदा बसंति सूरय, उन्होंने वेद का ऋचाओं को खूब बोले,
कृष्ण तो सुने, बोले देखो मैं जो सुनना चाहता था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निकला, बोले बैठ जाओ। फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने बुलाए, उपनिषद भी बड़े बड़े उन्होंने शास्त्र की बात बताए हैं, इसलिए सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्न ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, उन्होंने भी बड़ी बड़ी उन्होंने लेक्चर दिए। भगवान कृष्ण ने कहा भाई बैठ जाओ, तुम्हारे भी सही सही आंसर मिला नहीं। फिर उन्होंने बुलाए ब्रह्म सूत्र को, बोले तुम बताओ, बोले बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो नित्या अनावृत्ति सप्ताह अनावृत्ति सप्ताह, हमारे उपनिषद भी ब्रह्म सूत्र भी, उन्होंने भी बहुत सारी बात बताई। कृष्ण ने कहा तुम भी तो बहुत अच्छी बात बताए लेकिन सही सही उत्तर नहीं मिला, तुम भी बैठ जाओ। फिर उन्होंने सारे पुराण को उन्होंने खड़े किए, पुराण में खड़े होकर के वो भी भक्ति की बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताए, लेकिन कृष्ण बोले भैया मेरे को जो सही प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अभी सारे शास्त्र बोले भैया हमने इतनी अच्छी अच्छी बात बताए, कृष्ण तो सबको बैठा दिया, बोले हमारा प्रश्न का सही उत्तर तुमको मिला ही नहीं। इतने में भगवत गीता को भी खड़े किए, गीता भी बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, हैं उसमें मन मना भव मद भक्त भव माम जाति माम नमस्कुरु, गीता भी बड़ी बड़ी अच्छी बात बताए, लेकिन भगवान किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। अभी सोच रहे भैया केवल एक ही ग्रंथ रह गया, केवल ये भागवत ग्रंथ रह गया, अब सबके सब भागवत का मुख तरफ में सबके सब देख रहे भागवत क्या बोलेगा। जब उन्होंने भागवत को खड़े किए तब श्रीमद भागवत केवल उन्होंने दो श्लोकों को उन्होंने उच्चारण किया है, बोले एक श्लोक है ये श्री भरत महाराज राजा रघुगण को कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या न जाति न इच्छया निर्पाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयकम्। वो कह रहे हैं रघुगण महाराज, रघुगण न तपस्या, तपस्या से भक्ति नहीं मिलती है, न जाति उच्च कुल में जन्म लेने पर भी भक्ति नहीं मिलती है, न निर्पाप न गृहत्वा घर द्वार छोड़ छाड़ के भक्ति मिल जाएगी, बोले नहीं नहीं मिलेगी। बोले छंद सा वेद पढ़ता हूँ, बोले नहीं, बोले अग्नि पूजा को दिन भर, अभी तीर्थ महाराज कह रहे थे ना सारा दुनिया को पूजा करते सारा दुनिया भाग रहे, क्या मिल जाएगी, बोले नहीं। बोले मिलेगा कैसे, बोले बिना महत पदो रजो भी से कम, जब तक किसी महान साधु की चरण में हम आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं भैया जो कुछ करो कुछ भी होने वाले नहीं। फिर उन्होंने दूसरे श्लोक को बोला, जिस समय श्री हिरण्यकश्यप प्रह्लाद से प्रश्न करता है ये बताओ तेरी बुद्धि खराब किसने किया है, हर बात पर तुम कहते हो श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम भगवान की स्मरण करो भगवान की पूजा करो स्मरण सारे भगवान भगवान, भैया तेरे बुद्धि खराब किसने किया है, तेरे बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया है। तो उसने जब ये बात किया कि संधा मर्ग ने तेरे बुद्धि को बदला दिया, तब श्री प्रह्लाद कहते हैं पिताजी तब तक ये मति भगवत चरण में लग ही नहीं सकता है जब तक इस किसी निष्कंचन किसी साधु की चरण की शरण ग्रहण नहीं करते हो, जीवन में जो भी कुछ कर लो कुछ भी होने वाले नहीं। बस इतना सुनते ही कृष्ण प्रसन्न हो गए, कृष्ण खुश हो गए, बाप हमारे सारे प्रश्न का हमें उत्तर बोले थैंक यू धन्यवाद तुमने प्रश्न का उत्तर दिया। इसलिए भक्तों के चरण की इतने महिमा, इसलिए भागवत में बताए कहते हैं अनुब्रजामि अहम नित्य पुये एत अंग्रि रेणुहि, कहते संतों के चरण की इतने महिमा है, कहते जीव की बात छोड़ दो यहाँ पर कहते कृष्ण स्वयं भक्तों की चरण को पीछे 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 चलते हैं कृष्ण स्वयं, बोले क्यों, बोले अनुब्रजामि अहम नित्यम नित्य ही भक्तों को पीछे पीछे चल, बोले क्यों, बोले पुये एत अंग्रि रेणुहि, बोले भक्तों के चरण धूलि को पाने के लिए मैं स्वयं कृष्ण ग्रह में स्वयं भक्तों की चरण धूलि को द्वारा अभिषिक्त होने के लिए पवित्र होने के लिए मैं स्वयं चलता हूँ भक्तों का पीछे पीछे, बोले किस लिए भक्तों को पीछे पीछे चलते हो, बोले जो भक्त मेरी सेवा करते हैं मैं अगर भक्तों को कुछ देना चाहता हूँ ना, भक्त लोग क्या कहते हैं, बोले न धनम न जनम
न सुंदरी कविता व जगदीश गावे मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति अहितुकित। भक्त लोग किसी चीज को प्रार्थना नहीं करते हैं, बोले ननाद प्रेष्टम न जपारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। यहाँ तक भी स्वर्ग और ब्रह्म लोग यहाँ तक मुक्ति पाना नहीं चाहते हैं। पर कृष्ण सोचते हैं इनका ऋणी से गुरुणी कैसे बनूंगा, बोले इनकी चरणा धूलि मिलने से। लेकिन भक्त तो चरणा धूलि देगा ही नहीं भक्त, इसलिए कृष्ण कहते हैं पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि जब भक्त चले के चरण धूलि तो उठकर सर पर पड़ेगा पड़ेगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा। तब विश्वनाथ कहते हैं भैया तो भक्तों को चरण धूलि में से क्या चीज है जो भगवान चलते ही अच्छी बात होता है। बोलते कृष्णा कहते कहते भक्ति मिलेगी कैसे, बोले तीन चीज से, बोले एक भक्त चरण धूलि, भक्तों की चरणामृत और भक्तों की अधरामृत, तीन चीज से भक्ति मिलती है। कृष्ण विषय विग्रह और भक्त लोग का आश्रय विग्रह। लेकिन कृष्ण विषय विग्रह उनको जितने आनंद है, जो आश्रय विग्रह जो भक्त है उनसे करोड़ों गुण राधा रानी को ज्यादा आनंद है। अभी कृष्ण ललचते ही भैया वो आनंद कैसे मिलेगा, वो आनंद दुख 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 की बस्ती है, लेकिन मिलेगी कैसे, लेकिन केवल भक्तों की कृपा से। बोले क्यों, भक्ति भक्तों के हृदय में रहता है, भक्त भक्तों की हृदय में रहता है, इसलिए एक कारण बताया भक्तों का चरण धूलि उसी में भक्ति मिलेगी। इसलिए कृष्ण स्वयं जब तक भक्तों की चरण धूलि नहीं मिलेगी, राधा रानी की चरण धूलि कृष्ण को नहीं मिलेगी ना, कृष्ण भी वो भक्ति रस को आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए कलियुग में कृष्ण स्वयं राधा भाव दुति सुगलित नाव में कृष्ण स्वरूप। कलियुग में स्वयं राधा जी भाव अंग कार्तिक लेकर कृष्ण स्वयं आए, मतलब भक्तों की चरण धूलि की कितने महिमा। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भैया केवल भक्ति किससे मिलेगी, केवल भक्तों की कृपा से। इसलिए समय हो गया है, इसलिए केवल भक्तों की भक्ति से मिलेगी। हम यही पर बोल करके अपना भक्त को समाप्त करता हूँ। बच्चा गर्भ दर्भ सर कृपा से तो भय जोरे उन दिन